अरे दो बार नहीं, कुछ पांच बार हुआ था। मैं न्यूयॉर्क में था, मैं हर एलिवेटर के अंदर घुस जाता था, कोई ना कोई कुछ कर रहा था उस एलिवेटर में। तो आई सेड ये पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या यूनिवर्स मुझे साइन दे रही है कि मुझे शायद। कॉफी विद करण टाइम पास शो है, उस पे बहुत बकवास बातें होती है, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए जितना कि आप ले रहे हैं। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद हम लोगों के सामने बहुत सारी बातें आ रहा है, और इस बातों से हमें लग रहा है कि बहुत कुछ खराब हुआ है, बहुत कुछ गलत हुआ है, और यही गलतियों का फायदा बहुत लोग उठा रहे हैं और बहुत लोग उठा चुके हैं। लेकिन अभी जो इंडस्ट्री के वो लोग हैं, जो लोग इंडस्ट्री में नेपोटिज्म फैला रहे हैं, जो लोग इंडस्ट्री में अपना दबदबा कायम करने के लिए हमेशा लगा रहता है, हमेशा कोशिश करते हैं अपकमिंग टैलेंट को उभरने ना देना, वही लोग आज शक के घेरे में है, और वही लोगों को अब डाउन किया जा रहा है। उन्हीं लोगों की जो फिल्म है, जी हाँ, बॉलीवुड में जो सब सेलिब्रिटी है उन लोगों के फिल्म रिलीज नहीं होगा सिनेमा घरों में, उन पे लग गया है बैन। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है, कहाँ हो रहा है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं दोस्तों। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा रहस्यलय में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की ये जो ट्रेजिक स्टोरी है, उसके बाद पूरे इंडिया हिल गया है। पूरा इंडिया में जो लोग बॉलीवुड में गंदगी मचा रखा था, उन लोगों के खिलाफ सब लोग आवाज उठा रहा है। बहुत सारे ये लोग हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते थे कि वे लोग भी नेपोटिज्म, या फिर वे लोग भी बॉलीवुड के काली करतूत जो है उनका शिकार हुआ था, वो लोग भी सामने आ रहे हैं। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो ये वाकया हुआ है, ये कोई नहीं चाहते थे कि किसी के साथ और हो। जी हाँ दोस्तों, और इससे जुड़े जो सब लोग हैं, यानी करण जौहर, सलमान खान, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, ये लोग सुशांत सिंह राजपूत के साथ दिखावा कर रहे थे। ये लोग सुशांत सिंह राजपूत के बारे में शायद नेगेटिव थॉट्स ही रखते थे। ये बहुत बार बहुत सारे वीडियो में, बहुत सारे पोस्ट में, बहुत सारे ट्वीट में हमें देखने को मिला है। जी हाँ, सूरज पंचोली के साथ भी सुशांत सिंह राजपूत का इशू हुआ था। जी हाँ, और ये हुआ था उनका जो सेक्रेटरी है उनको लेकर, यानी सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर को लेकर। और यहाँ पर जो इशू हुआ था, यहाँ पर सलमान खान के थे इंटरफेयर, और जिसके बारे में सारी जगह पर चर्चाएं हो रहे हैं। और इसके बाद करण जौहर के बारे में तो आप जानते ही है, करण जौहर ने हमेशा सुशांत सिंह राजपूत को डाउन करना चाहा। इसके साथ साथ करण जौहर, यशराज फिल्म्स, एकता कपूर यानी बालाजी टेलीफिल्म्स, सब लोग सुशांत सिंह राजपूत को बॉयकॉट कर चुके थे, यानी बैन कर चुके थे। यानी वे लोग सुशांत सिंह राजपूत को कोई भी फिल्म नहीं साइन कर रहे थे, और उन लोगों के साथ सुशांत सिंह राजपूत का जो एग्जिस्टिंग साइनिंग था वो साइनिंग भी रद्द कर रहे थे। सुशांत के हाथों टोटल 7 फिल्में थी, और 7ों के 7 फिल्में पिछले 6 महीनों में ले लिया गया था, वापस लिया गया था, जहां साइनिंग के बाद भी वापस ले लिया गया। कॉफी विद करण शो में सुशांत सिंह राजपूत का बार बार मजाक उड़ाया गया था, और मजाक उड़ाने वाले कौन थे, आलिया भट्ट आपने देखे होंगे, और सोनम कपूर। सोनम कपूर तो ऐसी एक्टिंग की करण जौहर के शो में जाकर, यानी कॉफी विद करण में जाकर, मानो उनको पता ही नहीं है सुशांत सिंह राजपूत कौन है। हालांकि ये सब कुछ मामला मिट रहा था और हम सब लोग भूल रहे थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के जो फैमिली है वो तो कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, हम लोग या फिर आप लोग आजकल या फिर एक महीने बाद ये सब भूल ही जाएंगे, लेकिन वहाँ के लोगों के दिलों में अभी भी सुशांत राज कर रहे हैं, और वे है भारत के एक पार्ट, एक स्टेट जो कि है बिहार। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत बिलोंग करते थे बिहार से, और सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही सॉफ्ट दिल के इंसान थे, ये सब लोगों का ही कहना था। तो सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट करने के लिए पटना, मुजफ्फरपुर सभी जगह पर मांग किया जा रहा था कि सीबीआई इंक्वायरी हो, सीबीआई से जांच किया जाए। इसके साथ साथ और भी बहुत जगह पर मांग किया जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस जरूर मिलनी चाहिए। बहुत सारे संगठन भी तैयार किया गया था, बहुत सारे एक्टर जो कि बिहार से बिलोंग करते थे, जो कि बॉलीवुड के एक्टर अभी भी है या फिर कुछ दिनों पहले भी रह चुके हैं, वे लोग भी सुशांत सिंह राजपूत के इस प्रोसेस में शामिल हुए हैं, और बहुत जोरदार आंदोलन हो रहा था, और कुछ याचिका भी दायर किया गया, यानी कुछ केस भी फिल किया गया। और वहाँ पर एक केस ऐसे भी था जहाँ पर लिखा गया था कि, यानी वो आपके लोग का जो मांग है वहाँ पर किया गया, और उस केस में कहा गया कि करण जौहर, सलमान खान, आलिया भट्ट, सोनम कपूर या फिर सुशांत से जुड़े जो भी लोग उनका मजाक उड़ाया है, या फिर उनको फिल्म में एंट्री नहीं दिया था, या फिर उनसे फिल्म छीन लिया गया था, उन सभी लोगों का फिल्म बिहार में प्रदर्शित ना हो। तो ये याचिका दायर किया गया था जून के महीने में, हालांकि ये पेंडिंग केस था और इसकी सुनवाई बाकी थी, और बहुत जल्द ही इसकी सुनवाई होने वाला है। लेकिन दोस्तों और एक सूत्र से पता चल रहा है कि बिहार यूथ कांग्रेस की जो चेयरमैन थी और जो फिल्म सेंसर बोर्ड एडवाइजरी कमेटी के मेंबर है, उनके मुताबिक वे लोग भी चाह रहे हैं कि जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, यानी इस कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए हैं, सलमान खान, आलिया भट्ट, करण जौहर,
सोनम कपूर, इन लोगों का अपकमिंग कोई भी फिल्म सिनेमाघरों में यानी बिहार के सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया जाएगा और उन पे बातचीत चल रहा है और वो केस भी अभी कोर्ट में है। तो सभी मिला के कुछ ही दिनों में शायद फैसला आने वाला है, लेकिन एडवाइजरी कमेटी की जो मेंबर है वही अगर ये कह सकते हैं, वही अगर ये चाहते हैं तो एज ए ग्रुप फॉर्म करके, जो कि ऑलरेडी फॉर्म किया गया है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेलेब्स इन पटना। और वो लोगों का एक ही मिशन है, जब तक जस्टिस नहीं मिलने वाला है सुशांत सिंह राजपूत को तब तक ऐसा ही चलेगा। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है, ये क्या सच में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और क्या आप इसे सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का।